नमस्कार दोस्तों, दिस इज भूपेंद्र सिंह राय फ्रॉम सीएमए इंस्टीट्यूट उज्जैन। आई अगेन वेलकम यू इन माय नेक्स्ट टॉपिक, द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश देर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन देर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सो लेट्स वी बिगिन विद सम एग्जाम्पल्स। सबसे पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। ये जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसमें हाँ का सेंस होता है। इसमें नो नॉट नेवर या इसमें कोई भी प्रश्न का सेंस नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है रिया इज माई फ्रेंड और राम इट्स मैंगो। सेकेंड सेंटेंस होता है नेगेटिव, जिसमें किसी भी बात के लिए मना किया जाता है, इनकार किया जाता है, और कभी कभी तो इस प्रकार के वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए हम अपोजिट वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में रिया इज माई फ्रेंड का नेगेटिव होगा रिया इज नॉट माई फ्रेंड, राम इट्स मैंगो का नेगेटिव मैंने बनाया है राम कांट ईट मैंगो। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस के जरिए या अगर हमें अपोजिट वर्ड के जरिए अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम वो भी कर सकते थे। हम अगर ये कहते हैं कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, इसे बोला जा सकता था राम इज अ डिसऑनेस्ट बॉय, क्योंकि ऑनेस्ट का नेगेटिव क्या होगा आपका डिसऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स, सेकंड, अकॉर्डिंग टू योर स्पोकन इंग्लिश, दूसरे प्रकार का जो वाक्य होता है जिसे आप लोग कहते हैं अपना प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है, उनका आइडेंटिटी है कि उनके पीछे हमेशा ऐसा क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस और एक होते हैं आपके WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। इन्वर्टेड जो क्वेश्चंस हैं, इसकी खासियत ये है कि दे ऑलवेज बिगिन विद टेंस हेल्पिंग वर्ब जस्ट लाइक डू डज हैज हैव और मॉडल से स्टार्ट होते हैं, कैन से मे से कुड से शुड से मस्ट से, इनसे वाक्य स्टार्ट होते हैं। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर inverted questions begin with the helping verb or can say model also। इनके example देखिए, जो sentence मैंने यहाँ affirmative लिया था Ram is my friend, वही sentence था Riya is not my friend और वही sentence interrogative था is Riya my friend, तो यहाँ पर helping verb आगे use की मैंने। ये जो सेंटेंस नेगेटिव था राम कांट ईट मैंगो, इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे यूज करके मैंने इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बनाया है, वो बना है कैन राम ईट मैंगो। तो इस तरीके से हमारे इन्वर्टेड क्वेश्चन में हमें याद रखना होगा कि ये हमेशा टेंस की या मॉडल्स की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं एंड ऑलवेज फॉलोड बाय इंट्रोगेटिव मार्क लाइक दिस। सेकेंड पार्ट था इसी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का, वो था WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चंस जैसा कि लिखा हुआ है WH questions begin with the WH words। ये WH words आपके who, which, whom, whose, where, how, when, etc. ऐसे हो सकते हैं, इसमें का अपवाद है, पर इसमें WH word को आप ऐसा उल्टा मान सकते हैं। बाकी सभी के अंदर WH की यहां से स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है। इनसे जब आप सेंटेंस बनाते हैं और डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप बोलते रहते हैं या सुनने में भी आते होंगे, जैसे हु इज रिया, रिया कौन है, व्हाट डज राम ईट, राम क्या खाता है, और इनके पीछे भी हमेशा इंट्रोगेटिव मार्क आते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक दो पैटर्न हमने सीखे हैं, असर्टिव क्वेश्चंस जो कि दो टाइप के, अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर मैंने आपको इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस पढ़ाए, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया इन्वर्टेड क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। आइए इसका थर्ड पैटर्न पकड़ते हैं, ये है आपका इंपेरेटिव क्वेश्चंस। इंपेरेटिव क्वेश्चंस में जनरली तीन सेंस होते हैं। एक सेंस होता है इसमें ऑर्डर का, जिसमें आप आदेश देते हैं। सेकंड होता है रिक्वेस्ट का, जिसमें आप किसी से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। और तीसरा इसमें सेंस होता है आपके एडवाइस का, जिसमें आप किसी को सलाह देते हैं। माइनूटली डिफरेंस होते हैं इसमें ऑर्डर और एडवाइस को लेकर के, लेकिन चूंकि लैंग्वेज को हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए सेंटेंस में संदर्भ को लेकर के आपको समझना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में वहां ऑर्डर का सेंस है या एडवाइस का। फिर भी एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है, जब कभी भी आपके सेंटेंस में पुलिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो, ऑफिसर का जिक्र हो, एनसीसी ऑफिसर का जिक्र हो, आर्मी की कोई बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की कोई बात की जाए, बॉस और सेक्रेटरी के बीच की कोई सेगमेंट्स हो, ऐसे कभी भी
मौके हों, तो आप ये मान करके चलना कि उनका बात करने का जो लहजा है वो ऑर्डर वाला है। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट के लिए आपको याद रखना होगा आपके सेंटेंस में जनरली प्लीज और काइंडली जैसे शब्द बहुत ज्यादा देखने में आते हैं, कभी कभार इनके अंदर मॉडल के तौर पर कैन और वुड का भी हम इस्तेमाल कर लिया करते हैं। एडवाइस के लिए जब डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बात हो, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच की बात हो, कोई भी सन, कोई भी मो, जब कभी भी कोई स्पीच डिलीवर कर रहा हो, उपदेश दे रहा हो, तो ऐसे सेंसेस के अंदर वहां पर एडवाइस का सेंस होता है। सो लेट्स बी बिगिन विद देयर एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑर्डर वाले सेंटेंसेस के लिए आप देख सकते हैं, जैसे अरेस्ट हिम, उसे गिरफ्तार करो, डोंट अरेस्ट हिम, उसे गिरफ्तार मत करो, तो आपका ऑर्डर अफर्मेटिव भी हो सकता है और आपका ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है। इवन आप अपने ऑर्डर्स को नेवर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नेवर डिस्टर्ब मी, मुझे कभी डिस्टर्ब मत करो, इस तरीके से। यहां आप देखेंगे रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल करके हमने काम किया, आपके रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस भी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जैसे प्लीज हेल्प मी, और वही सेंटेंस नेगेटिव बन सकता था, प्लीज डोंट हेल्प मी। यहाँ काइंडली से सेंटेंस बनाया है, और काइंडली वाले सेंटेंसेस का आप अपनी एप्लीकेशन में भी बहुत जबरदस्त यूज करते हैं, काइंडली ग्रांट मी, तो काइंडली हेल्प द पुअर। तो इस तरीके से प्लीज और काइंडली का यूज करके हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। जब बात हो एडवाइस की, तो उसमें जनरली हम शुड और मस्ट जैसी मॉडल जनरली देखने में आती है। यू शुड टॉक पोलाइटली, तुम्हें विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से इस टाइप के सेंटेंसेस में हम शुड और मस्ट जैसी मॉडल का इस्तेमाल करके एडवाइस वाले वाक्य बना सकते हैं। नंबर फोर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये वो वाक्य होते हैं जिसपे आप आश्चर्यसूचक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। इस जिस तरीके से इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस की खासियत थी कि उसके पीछे आप इंट्रोगेटिव मार्क यूज करते हैं, यहां आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करना पड़ेगा। आइए इसके अंदर सेंस कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो सेंस होते हैं वो होता है आपके जॉय का सेंस, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स अवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एंड दीज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर जॉय, सॉरो एंड वंडर। इन्हें व्यक्त करने के लिए हमारे पास अंतःयोजक, जिन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं, वो होते हैं। तो जॉय को प्रकट करने वाले जो इंटरजेक्शंस हैं, जो यदा कदा आपने सुने होंगे, अपने दोस्तों के मुंह से सुने होंगे, हुर्रे जो कि खुशी को शो करता है, ब्रेवो मीन्स शाबाश, चीयर अप, आपने देखा होगा फिल्मों में जाम से जाम टकराते हुए चीयर अप करते हैं, तो खुशियां मनाओ। तो ऐसे सेंस हुर्रे, ब्रेवो, चीयर अप और भी कई ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो कि आपकी खुशी को शो करते हैं। सौरव को शो करने के लिए, दुख या पीड़ा को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा में होता है अलाश, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और बहुत समय पहले आपने आइडेक्स के विज्ञापन में भी देखा होगा ऊ आ आउच। तो ये वर्ड्स हैं जो जनरली आपके सेंटेंस में दुख या पीड़ा की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। इसी तरह से यदि हमें वंडर, आश्चर्य का सेंस क्रिएट करना हो, हिंदी में तो हम लोग बोल देते हैं बाप रे कितना भयानक सांप है, बाप रे क्या गजब का सीन है, उस बाप रे वर्ड को अंग्रेजी में जाहिर किया जाता है हाउ और व्हाट से। तो कीप इन माइंड फ्रेंड, हाउ और व्हाट के बाद जब कभी भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आए तो यहां पर वो वंडर वाले कहलाते हैं। 12th लेवल पर जो एग्जामिनेशंस होती है वहां, जैसे कांस्टेबल वगैरह, तो वहां तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आते भी हैं, वो पूछ भी लेते हैं कि इस ये वाक्य जो है वो किस प्रकार का है, इसका काइंड कौन सा होगा। तो आप इसे एक या दो बार बहुत अच्छे से आप पढ़ें तो सारे के सारे काइंड्स आपको मेमोराइज हो जाएंगे। तो वंडर में वाओ, कई बार आपने लोगों की बाइक पर लिखा हुआ देखा होगा, कार पर लिखा हुआ देखा होगा, कई लोग इस टाइप की कैप पहनते हैं। हाउ और व्हाट बापरे शब्द के लिए यूज किए जाते हैं, आइए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जॉय का सेंस लेते हुए हमारे पास वाक्य है हुर्रे, वी हैव वन द मैच, खुशी मनाते हुए हम कहते हैं कि हुर्रे हमने तो मैच जीत गए। उसी तरीके से दुख या पीड़ा को व्यक्त करते हुए हम कहते हैं अलाश, माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड अप, दुख मनाते हुए कह रहे हैं कि मेरी जेब तो कट गई। उसी प्रकार से वंडर को जाहिर करने के लिए आप लोग यूज करते हैं हाउ अ टेरिबल स्नेक इट इज, बाप रे कितना भयानक सांप है। उसी तरीके से व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, बाप रे क्या गजब का सीन है।
तो याद रखिएगा इनकी स्टार्टिंग तो डब्ल्यू एच वर्ड से है लेकिन पीछे इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, इसे आप लोग प्रश्नवाचक वाक्य नहीं कंसिडर करेंगे। इस साइन की वजह से ये दोनों के दोनों आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे आखिरी पर हम आते हैं, ये है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे आप लोग कह सकते हैं अपना इच्छात्मक वाक्य। इच्छात्मक वाक्य, इस इच्छात्मक वाक्य के अंदर जो सेंस है इन्हें आप देखिएगा, इसमें एक सेंस होता है ब्लेश का जिसमें आप आशीर्वाद की बात करते हैं, एक सेंस होता है इसमें कर्ज का जिसमें आप श्राप की बात करते हैं, एक सेंस होता है प्रे का जब आप ईश्वर से आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, और अंतिम सेंस होता है इसके अंदर ग्रीट का या विश का जिसमें आप किसी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो फ्रेंड्स ब्लेस के लिए आप लोग बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, मे यू ऑलवेज सक्सेसफुल, तुम सदा सफल हो, इस तरह की बातें ब्लेसेस में आती है। कर्ज की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो कर्ज में मे यू गो टू हेल, HELL, हेल, तो तुम भाड़ में जाओ, नर्क में जाओ, इस तरह की हम बातें करते हैं। मे यू रुइन, मे यू रुइन अप, इस तरह के सेंटेंस कि तुम बर्बाद हो जाओ, RUIN, तो ये लिखा है मैंने यहां पर। प्रे के लिए मे गॉड कीप यू हेल्दी एंड वेल्दी, इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, गॉड शब्द यहां आपको देखने को मिलेगा, तो मे गॉड कीप यू हेल्दी एंड वेल्दी, ईश्वर आपको स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखे। और अंतिम है जो आपकी विश या ग्रिट को शो करता है, हैव ए नाइस डे, हैप्पी बर्थडे टू यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह की बातें जब आप अपने अभिवादन के लिए यूज करते हैं तो ये सभी सेंटेंसेस आपके ऑप्टेटिव्स में आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट राइट फ्रॉम बिगनिंग टू एंडिंग, एंड आई होप आप इसे एक या दो बार रिवाइंड करके जरूर देखिए। आई प्रोमिस कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आप सेंटेंस को पढ़ करके इस चीज का पता लगा लेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस का प्रकार क्या है। जनरली वहां आपको मॉडल्स को फाइंड आउट करने में हेल्प मिल सकती है, और कई ऐसी बारीकियां इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो आपको एक्टिव पैसिव वाइज और नरेशंस में हेल्प मिलेगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आप चाहते हैं ऐसे अच्छे लेक्चर्स को सुनने के लिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला अफजाई करें। थैंक